दिस इज़ किरण एंड वेलकम बैक टू माई चैनल पति पत्नी और वो। सो गाइज, अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकल के हमने की सेलेक्ट होटल एक्वा ग्रीन में चेक इन कर लिया है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इवन उसी के फ्रंट में है। और हम अपना लगेज लेके अभी रूम में एंटर कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको करवाती हूँ रूम टूर, तो नॉक करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगेज स्पेस दिया हुआ है। यहाँ आप अपने ट्रॉली बैग्स और जो भी हैंड बैग्स है वो रख सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरा हैंड बैग यहाँ पर रखा हुआ है। एंड ये है कबर्ड, काफ़ी बड़ी कबर्ड है, इसमें आप अपने क्लॉथ्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। ये देखिए हैंगर भी दिए हुए हैं और काफ़ी सारा स्पेस है इस कबर्ड में। यहाँ पर दिया हुआ है एक लॉकर, इसमें आप अपना कोड डाल सकते हैं और अपना जो भी पर्सनल आइटम है लाइक मनी वगैरह एंड कार्ड्स वगैरह, एटीएम कार्ड्स वगैरह, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए, एंड ये है लॉन्ड्री बैग, इसमें आप अपने कपड़े डालकर वॉश करने के लिए और प्रेस करने के लिए दे सकते हैं। तो देखिए ये है लॉन्ड्री चार्जेस। यहाँ पर दो वाटर बॉटल्स आपको मिलती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड कॉफ़ी मेकर भी है यहाँ पर। उसके साथ नोवा के मिल्क पाउच है एंड शुगर पाउच हैं, दो कप्स हैं, एंड कॉफ़ी पाउच है, टी पाउच है, टिश्यूज़ हैं एंड एक बाउल भी है। तो यहाँ आप अपनी कॉफ़ी बना के इंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका मन चाहे, या मॉर्निंग में, नाइट में, जब भी आप प्रेफर करें कॉफ़ी पीना। यहाँ पर लगा हुआ है टीवी। ये है हमारा लगेज जो कि काफी सारा है, दो ट्रॉली बैग हैं यहाँ पर। एक डेस्क टेबल यहाँ दी हुई है और उसके साथ एक चेयर यहाँ पर लगी हुई है। फिलहाल राहुल अपनी जैकेट डाली हुई है चेयर पर। यहाँ पर दो पेंटिंग्स लगी हुई है, कर्टेंस लगे हुए हैं, झूमर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा काउच दिया हुआ है और एक स्मॉल टेबल दी हुई है जिस पर आप अपना फूड वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दो बैग और भी हैं हमारे साथ। अब मैं दिखाती हूँ आपको बेड। वाओ, ये छोटा सा लैम्प दिया हुआ है साइड में, दोनों साइड में दिया हुआ है। और ये कुशन देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितनी नीट एंड क्लीन चादर है और उस पर ये ब्लू कलर। वाओ, ये सेंट्रल ऐसी है और
ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अभी हॉट है काफ़ी, तो हमने 18 किया हुआ है। ये साइड में छोटी सी टेबल है, फ़ोन वगैरह मोबाइल चार्जर के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए आप, राहुल जैसे ही आए हैं फ़ोन में लग चुके हैं, काफ़ी टायर्ड दिख रहे हैं, उनकी आंखों से लग रहा है कि उनको नींद की ज़रूरत है। मुझे भी काफ़ी नींद की ज़रूरत है, मैं आपको बताऊंगी अभी मेरा चेहरा कि फेस पर स्वेलिंग आई हुई है, कल रात से हम जगे हुए हैं, इवन कल रात को हमने नींद ही नहीं ली है, हम पूरी रात जगे हुए थे और सीधा हमने 3 बजे हम इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर गए, हमने चेक इन किया, बोर्डिंग पास लिए और देन फ्लाइट। तो बस यही है, जस्ट हम अभी पहुँचे हैं, अभी टाइमिंग हो रहा है 11 o'clock। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितना थके हुए हैं, बट एनीवेज अभी हम रेस्ट ही करेंगे। मैंने सोचा मैं एक रूम टूर बना लेती हूँ कि सेलेक्ट एक्वा ग्रीन होटल का, तो आपको हेल्प मिलेगी आप जब भी पोर्ट ब्लेयर आए। एंड यस, ये तो ये जो होटल है ये काफ़ी नियर बाय है, वीर सावरकर एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप अपना लगेज लेके जस्ट जैसे ही रोड क्रॉस करेंगे जस्ट सामने ही ये होटल है। तो ये मैंने इसकी बुकिंग अगोड़ा से की थी, तो आप देख सकते हैं, आप मेरी आईज भी देख सकते हैं, देखिए मैं कितनी थकी हुई हूँ, मुझे भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको, ये एक मिनी फ्रिज दिया हुआ है, इसको ओपन करते हैं क्या है इसमें। तो फिलहाल ये है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वॉशरूम कैसा है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, यहाँ पर वॉश बेसिन है, हैंड टॉवल है, एक एक्स्ट्रा टॉवल है फॉर बाथ। शावर है, कोल्ड एंड हॉट वाटर सिस्टम्स हैं। इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, यस ये है शावर जेल एंड शैम्पू, यूज मी फॉर फेलो योर हैप्पी स्टेज। तो ये है शावर जेल एंड शैम्पू और ये है हेयर कंडीशनर, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर है मॉइस्चराइज़र है एंड हैंड वॉश है, आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज़र है रफ डेज एंड वॉश इज हैंड्स नॉट सिंस, तो ये हैंड वॉश है और ये मॉइस्चराइज़र है। यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं कूल, एंड यहाँ पर एक डस्टबिन है, यहाँ पर एक डस्टबिन दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यूरोपियन सीट दी हुई है, उसी के साथ टॉयलेट पेपर दिए हुए हैं, देन टॉवल स्टैंड आप देख सकते हैं, 2 टॉवल यहाँ पर रखे हुए हैं,
क्लॉथ्स हैंग करने के लिए यहाँ पर क्लॉथ हैंगर भी दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी वॉशरूम एरिया नीट एंड क्लीन है। तो ये था कीज सेलेक्ट एक्वा ग्रीन। अभी फोन रिंगिंग हो रहा है, देखते हैं किसका फोन है। राहुल कॉल अटेंड करेंगे। सो अभी राहुल ने वाईफाई का पासवर्ड रिसेप्शन पर पूछा था और अभी उन्होंने यस वो बोल रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट बोल रहे हैं कि लॉबी पर वाईफाई चलेगा, आपके फोन में 2G चल रहा है, वाईफाई नहीं है, हम मीडिया शिफ्ट कर चुके हैं, फोन जो सिग्नल से वो तो आपको सब कुछ तो राहुल ने बता दिया है, फिर मैं क्या बताऊं अब। रूम बहुत अच्छा लगा, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मैंने पिक्चर्स देखे थे अगोड़ा पे, तो रूम डेफिनेटली वैसा ही है, बिजनेस क्लास है, काफ़ी अच्छा रूम है, आई लाइक इट। तो आप भी जब भी पोर्ट ब्लेयर आइए और ये रूम बुक कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ पर्दे के पीछे। वाओ, व्हाट अ व्यू। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यूज है। कोकोनट ट्रीज हैं यहाँ पर और जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि ये कितना वॉकिंग डिस्टेंस पर है वीर सावरकर एयरपोर्ट से। जस्ट सामने वीर सावरकर एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं है, बट एयरपोर्ट एयरपोर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, बनाना लीफ भी देख सकते हैं आप। तो व्यूज़ बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना रश है बाहर और कितनी धूप है। -1 डिग्री में रहने वाले लोग अगर सीधा 22 डिग्री में आते हैं तो उनको कैसा फील होता होगा, ये आप समझ सकते हैं। वहाँ इतना कोल्ड होता है उत्तराखंड में और यहाँ इतना हॉट है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये है रेस्टोरेंट एरिया की सेलेक्ट होटल एक्वा ग्रीन का। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और अभी हम आए हैं यहाँ पर डिनर के लिए, तो चलिए डिनर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने ऑर्डर किया है बटर नान, दाल मखनी एंड राइस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो यहाँ पर वेज ऑप्शन काफ़ी कम थे एंड नॉन वेज ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा, लाइक फिश, सी फूड। सो गाइस, ये था की सेलेक्ट होटल एक्वा ग्रीन का रिव्यू एंड रूम टूर। तो अगर हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो ये मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, एयरपोर्ट से काफ़ी नियर बाय है एंड वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। बट अगर मैं फूड की बात करती हूँ तो फूड यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है
एंड वेज ऑप्शन काफ़ी कम है, बहुत कम है, तो आप बाहर भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको कि सेलेक्ट होटल एक्वा ग्रीन का ये रिव्यू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर स्माइल यू मेक योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। सो गाइस, बाय बाय।